कैसी जा रही है तैयारी आप तमाम की? माशाल्लाह, कोई इम्तिहान एग्जाम वगैरह की डेट आई है? नहीं सर, अभी डेट तो नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि अगस्त से पहले हो जाएंगे। हाँ सही है बात। हेलो, बेटा आवाज आ रही है तुम्हारे को? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। ओके ओके, चलें जनाब। अब माशाल्लाह आपके 6 लेक्चर तकरीबन हो गए हैं और हमने हाफ से ज्यादा पढ़ भी लिया है, तो थोड़ा सा जो है ना वो आज मैं फिर आपसे पूछूं, थोड़ा सा पता चल जाए आपका। रैंडमली जो है ना पूछता हूं, तो ज़रा प्लीज़ मुझे बताइएगा कि रिजर्व फंड इज मेंशन अंडर व्हाट सेक्शन? सर आपका सेक्शन 30 है। 39। 39। सर 39। सेक्शन 39। 39। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन और इज सर हाउ मच परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट्स इज केप्ट इन रिजर्व फंड वन फ्रॉम और फोर्थ कम वन एंड फोर्थ सर 39 से वन नंबर फोर्थ सर सर वन मैं ऑफ बताऊं? ऑल सोसाइटीज आर एनी एनी नो सोसाइटी? सर, नो सर, नो सर सर, स्पेसिफिक 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 सर, वन 110 जो है ना फोर्थ और रिसोर्स। प्रोड्यूसर, रिसोर्स वन फोर्थ और प्रोड्यूसर के लिए सर। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, व्हाट इज सेक्शन 36? व्हाट इज सेक्शन 36? सेक्शन 36 क्या Explanations है? about सही है, 36 या रिस्ट्रिक्शन 26। ऑन अदर ट्रांजैक्शन विद नॉन मेंबर, यानी कि जो सोसाइटी है वो नॉन मेंबर्स को ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है, नहीं ये सर, सर इनसे जो बचने नहीं के नहीं लिए। गलत सर, जो सेक्शन थर्टी बाय सिक्स लॉज सर, जो सेक्शन 36 है ना, वो ना लोन के अलावा ट्रेड की भी कुछ सोसाइटीज को इजाजत देता है, जैसे कंज्यूमर प्रोड्यूसर और हाउसिंग सोसाइटीज है ना, वो ट्रेड भी कर सकती हैं दूसरी सोसाइटीज के साथ, सिर्फ उस लिमिट में जितनी उनको बाय लॉज इजाजत देते हैं। जी सर ऐसे ही। बिल्कुल ठीक। चले बेटा, एक जरा बताइएगा मुझे कि व्हाट इज सेक्शन 58? व्हाट इज सेक्शन 58? सर जो सर जो टेस्ट हमारा था वो सर सेक्शन 40 तक था। सर 40 तक आपने टेस्ट किया 40 था? तक टेस्ट था हमारा। सर अच्छा सर 50A में बताता है कि हम ना किसी भी अगर सोसाइटी की जो असेसमेंट ऑफ डैमेज है ना, जैसे अगर हमारे जो सेक्शन 22A है, 22A में मतलब बताते हैं जो ऑडिट से रिलेटेड हमारी मतलब होती है कोई डिस्क्रिपेंसी होती है, 43 में जो हमें बताते हैं उसके बारे में इंक्वायरी के बारे में, 44 में इंस्पेक्शन में, 44A में और 44D में जो अगर सोसाइटी में कोई रजिस्ट्रार डायरेक्शन देता है सोसाइटी की कुछ मामलात के हिसाब से, तो अगर ये सारी चीजें अगर इन सब रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करने के बाद अगर उसके अंदर कोई लॉसेस वगैरह की जो डैमेज जो जो लॉसेस वगैरह होते हैं ना, तो उस डैमेज को रिकवर करने के लिए ना 50A के इख्तियारात रजिस्ट्रार इस्तेमाल करता है,
जिसका जितना नुकसान हुआ होता है ना, तो फिर उनके उनसे ही रिकवर करवाता है जिनकी वजह से नुकसान हुआ होता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने ना इस सेशन में सर एक टर्म यूज की थी पेनल कोड, सर इसका मीनिंग क्या है? क्या मैंने इस्तेमाल की थी टर्म? मैंने ये कहा था, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने कहा था सेक्शन जो 50A है, इट एम्पावर द रजिस्ट्रार टू असेस द डैमेजेस अगेंस्ट द पर्सन हु केप्ट हिमसेल्फ इन्वॉल्वड इन सर्टेन एक्टिविटीज लाइक एम्बेजलमेंट, मिसअप्रोप्रिएशन और एनी अदर काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज विच पुट द लॉस टू द सोसाइटी। ओनली रजिस्ट्रार विल असेस द डैमेज, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव यूज्ड द टर्म दैट देयर वुड आल्सो बी अ पिनल एक्शन अगेंस्ट द पर्सन। जिस शख्स ने ऐसा काम किया है उसके खिलाफ जाब्ता फौजदारी की कार्रवाई भी होगी, यानी कि ही विल बी प्रोसिक्यूटेड, उसको पुलिस के जरिए उसके मुकदमा दर्ज होगा, उसके ऊपर जो है फौजदारी केस भी बनेगा। ठीक होगी बात? यस सर, गॉट इट, थैंक यू। ओके चले बेटा, आप बताइएगा व्हाट इज सेक्शन 19? सर जो हमारा सेक्शन 19 बताता है कि कोई भी ट्रांसफर, कोई भी जो हमारा वो सोसाइटी का मेंबर है वो पहले अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो ये रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, रिस्ट्रिक्शन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बिल्कुल ठीक है। पीरियड बताया था 1 साल के अंदर अंदर ना ट्रांसफर। जी 1 साल का। अच्छा बेटा एक और सवाल बताइएगा कि व्हाट इज सेक्शन 20B? सर जो ये ना 2020 में ये अमेंडमेंट बी में ना किसी भी रजिस्ट्रार को ना बाउंड किया जाता है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे उन तमाम इदारों को जो इस एक्ट में मेंशन्ड है, जैसे FIA, NAB, FPR, इन सबको। इसमें 20B में हम रजिस्ट्रार को करते हैं बाउंड, और 20A में ना हम ना सेक्रेटरी ऑफ सोसाइटी को, जो मतलब सोसाइटी का सेक्रेटरी है ना, उसको बाउंड करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड। बिल्कुल ठीक है। चलें बेटा ये बताइएगा कि व्हाट इज सेक्शन 22B? सर इंटरनल ऑडिट के बारे में, इंटरनल ऑडिट कमेटी जो है। बिल्कुल ठीक कहा है, इंटरनल ऑडिट ही है, लेकिन इंटरनल ऑडिट फॉर व्हाट सोसाइटीज? सर हाउसिंग और प्रोड्यूसर। बिल्कुल सही बात है, प्रोड्यूसर एंड हाउसिंग सोसाइटीज। इंटरनल ऑडिट इज फॉर ओनली फॉर 2 सोसाइटीज। हाउ मेनी members at least would be nominated for this purpose? Sir, three members. And the period in which the report of the internal audit shall be communicated? Within 1 month. Okay. Which section tells us that the societies are body corporate? Sir, section 23. And being a body corporate, how many functions can a society do? Sir, can enter into a contract with another society or? Not only society, but for every legal entity. So legal person का बताया था इसमें आपने, legal natural person. जी, society becomes a legal person. Being a legal person, society is entitled to enter into an agreement with some person, with some company, with some association, with some society or anything else. Similarly, society has its own seal. Similar, and society can sue and it can be sued. ठीक है। अच्छा, अब बताइए बेटा कि liability of the estate of a deceased member is mentioned under what section? 29. How much period? Sir, 1 year. One year, sir.
वेरी गुड. अ मेंबर कैन बी एक्सपल्ड फ्रॉम ए सोसाइटी. दिस हैज बीन मेंशनड अंडर सेक्शन 17B. सर ए में तो स्पेशल प्रोविजन दी गई है ना एग्रीकल्चर सोसाइटी 17B है. ठीक है 17A में और बी में किसी मेंबर को एक्सपेल करते हैं. सर इसमें 51% भी बताई थी आपने अगर मेजोरिटी उसके अगेंस्ट हो. बिल्कुल ठीक है. अच्छा जी अब बताइएगा कि लोन कैन बी इशूड टू ए नॉन मेंबर. देयर इज ओनली वन प्रोविजन प्रोवाइडेड इन द एक्ट. व्हाट इज दैट प्रोविजन? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 सब सेक्शन 4. गलत कह रही है बेटा आप. लोन का जिक्र सर 33A सर सेक्शन 34 सेक्शन 4 में बात बताएगी ये कि किसी नॉन मेंबर को कर्जा दिया जा सकता है लेकिन रजिस्ट्रार की इजाजत से. 37 नहीं है बेटा 34 है. यस सर 34 का सब सेक्शन 4 है. ठीक है चले बेटा एक और बताइए. व्हाट इज सेक्शन 13? स्पेशल जनरल मीटिंग के बारे में सेक्शन 13. सेक्शन 13 इज अबाउट स्पेशल जनरल मीटिंग. क्लियर सर? ये साल में एक दफा ही होगी ना? नहीं, वो एनुअल जनरल मीटिंग होती है बेटा. जो स्पेशल जनरल मीटिंग होती है इट मे बी कॉल्ड एनी टाइम फॉर स्पेशल पर्पस. ओके सर थैंक यू. दिस सेक्शन इज एडेड टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच अराइज आफ्टर द लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ 3 मंथ इन व्हिच जनरल मीटिंग कैन बी हेल्ड. व्हेन देयर इज नो टाइम फॉर जनरल मीटिंग सो दिस सेक्शन इज इंसर्टेड इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट to solve such issue. Beta section 20, what is section 21? Copy of act. Sir, copy of act जो 5 copies हैं और society के पास वो मौजूद होनी चाहिए. कौन कौन सी? Can you elaborate? सर कॉपी ऑफ जिसमें मेंबर्स की इंफॉर्मेशन है, कॉपी ऑफ बेनिफिशरीज जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं और कॉपी ऑफ बायलॉज और कॉपी ऑफ 1925 एक्ट और रूल्स की कॉपी 1927. अच्छा बेटा अ सोसाइटी वांट्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ ए बैंकिंग बट रजिस्ट्रार वुड नॉट परमिट द सोसाइटी टू डू सो unless the society has how much paid up capital share? Sir, 20 million. And it is mentioned in what section? Sir, 17A. 17? नहीं बेटा. सर सेक्शन 7 हमारा बताओ जरा. 7 है सर ये. 7 सेक्शन 7 है. सेक्शन 7 नहीं है सेक्शन 9 है. सॉरी आपने मुझे भी यार चक्कर दे दी. सेक्शन 9 है सर. 9 में तो एप्लीकेशन ही है. एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्री सर ये आपने दोबारा देखिए. 7 में बताया जो अमाउंट बताई थी वो सेक्शन 7 में नहीं. सर आपने 7 में बताया था एक बार जब आपने ये बात बताई 20 मिलियन रुपीस. हां सेक्शन 7 ही है. जस्ट आई वांट टू चेक यू. वेरी गुड बेटा तमाम की. इट हैज ए पेड अप कैपिटल ऑफ नॉट लेस देन 20 मिलियन रुपीस. इट इज मेंशनड इन सेक्शन 7. एंड व्हाट इज सेक्शन 7A? सर एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबरशिप सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 इंडिविजुअल पर्सन. ओके
I think your preparation is going very well. आज तो मियाँ शफीक साहब भी हमारे साथ शामिल हैं, तो मियाँ साहब से कहते हैं जरा थोड़ा सा इन हो जाएं। तो मियाँ साहब प्लीज ओपन योर माइक। मियाँ साहब भी हैं? नो सर, आई थिंक वो कोऑर्डिनेटर का माइक है जो उनके नेम से है। ओके चले बेटा, जो है ना वो आपकी अल्हम्दुलिल्लाह प्रेपरेशन अच्छी है। आज सेक्शन जो है ना आपकी 40 तक आपकी जो है ना आई टेस्टेड यू नो फ्रॉम टुमारो यू विल बी टेस्टेड फ्रॉम सेक्शन 42 ऑनवर्ड सेक्शंस व्हिच वी विल कंप्लीट टुडे। ओके ओके सर। ओके सर ले चले जी बेटा, जो है ना वो लास्ट टाइम, हाँ चले यार पूछ ही लेते थोड़ा सा, व्हाट इज सेक्शन 54? आर्बिट्रेशन सर, सालसी होते हैं। देखें 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 मैं को बात बताऊं बेटा, वी बीइंग रजिस्ट्रार इन दिस डिपार्टमेंट वी आल्सो यूज सर्टेन जुडिशियल पावर्स एंड दीज जुडिशियल पावर्स आर यूज्ड अंडर टू सेक्शंस। द फर्स्ट इज सेक्शन 50A, बीइंग सिविल कोर्ट वी असेस द डैमेजेस and the second section is in which we use certain judicial powers, this is section 54. Nowadays mostly disputes are solved under section 54 in our department. I told you about this section, that this section was about the arbitration when certain problem which is regarding the business of a society arises out, it can be solved through arbitration. Arbitration जो है ना बेटा, इसके लिए मैं आपको बात बता दूं, यहां से याद रखिएगा या भी अपने साथ नोट कर लीजिएगा कि इसके साथ जो अहम तीन रूल हैं, जब मैं आपको रूल पढ़ाऊंगा तो रूल इसके साथ कुछ अटैच भी करते हैं, वो रूल 30 से लेकर 38 तक हैं। रूल 30 फ्रॉम 30 टू 38 आर आल्सो अटैच्ड विद दिस सेक्शन, सेक्शन 54. Rule 1925-7, keep it in your mind. Inshallah, maine within two to three lectures, I will try my best to complete this book. Then I shall start the rules. मैं आपको अभी से बात बता रहा हूँ कि बेटा ये जो section 54 है, इसके साथ section rule 30 से लेकर 38 तक जो rules 27 है, वो भी बड़ा matter करते हैं। आम में जो question आपसे पूछे जाएंगे, कम से कम याद रखिएगा आपके 10 से 15 क्वेश्चन जो है ना वो आपके उससे आएंगे, जो ये जो है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1927। जिन बच्चों ने पिछली दफा पेपर दिया था उनको ऑलरेडी जो है ना इस बात का एक्सपीरियंस होगा, अदराक हो चुका होगा। जी बेटा, नाउ आई विल कैरी ऑन सेक्शन 54A। शुरू करें बेटा सेक्शन 54A को। This is yes sir very lengthy section, but you don't need to memorize, only you need to understand what this section is about. इससे पहले मैं को ये बात बता दूं, जब section 54 आता है तो section 54 के की hearing के नतीजे में registrar साहब या panel of जो arbitration होता है वो एक award जारी करता है, ठीक है। अवार्ड जो है ना वो जारी किया जाता है अंडर सेक्शन 54। नाउ अब ये जो अवार्ड है, समटाइम्स देयर मे बी अ क्लेरिकल मिस्टेक, देयर मे बी एनी एरर व्हिच इज बेस्ड ऑन रॉन्ग एविडेंसेस, देन इफ द अवार्ड इज नॉट रेक्टिफाइड इट वुड क्रिएट ए लॉस टू द पार्टी in whose favor the award is given or against the party against whom this award has been issued. Then what is the procedure which is provided? The procedure is registrar is also empowered under section 54A to set aside the award and order the dispute to be referred back to arbitration. ठीक है,
रजिस्ट्रार जो है ना, रजिस्ट्रार साहब अगर आर्बिट्रेशन पैनल से अगर कोई फैसला आता है तो रजिस्ट्रार साहब ऐसे फैसले को सेट असाइड भी कर सकते हैं, और सेट असाइड करने के बाद रजिस्ट्रार साहब ये कह सकते हैं कि जनाब ऐसे जो अवार्ड है जिसके ऊपर ये अवार्ड जारी किया गया है उसको आप दोबारा जो है उसकी हियरिंग करें, दोबारा हियरिंग करने के बाद इस अवार्ड को जारी करें, क्योंकि रजिस्ट्रार साहब फील करते हैं कि देयर इज सम इरेगुलरिटी आर इलीगैलिटी विच शुड बी टच बट हैव नॉट बीन टच, जिसको टच किया जाना चाहिए था लेकिन उसको टच नहीं किया गया, आर देयर इज सम एविडेंस विच कुड बी एडमिजिबल बट इट वॉज नॉट एडमिजिबल, कोई ऐसी एविडेंस जिस जो एडमिजिबल होनी चाहिए थी लेकिन उसको भी एडमिजिबल नहीं किया गया, सो रजिस्ट्रार साहब उसको रेफर बैक कर देते हैं कि जनाब ये जो है ये जो आपका ये जो होगा अवार्ड है इसको जो है ना वो दोबारा जारी किया जाए। क्लियर समझ आ गई है बात बेटा, सेक्शन 54A की, कि दिस सेक्शन इज अबाउट द पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू सेट साइड द अवार्ड एंड ऑर्डर द डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड बैक टू द आर्बिट्रेटर। सर ये अवार्ड क्यों किया जाता है ये नहीं समझ में आया, अवार्ड क्यों जारी किया जाता है? अगर सर कोई सालसी किसी के खिलाफ या किसी के साथ नाइंसाफी हो जाए तो ये फिर होगा ऐसे? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, समटाइम ऐसे होता है, मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि अगर सालसी में जो है ना वो उसके लिए आगे अपील का टाइम तो दिया जाता है, वो सेक्शन आगे आएगा, सेक्शन 56 आएगा आगे जिसमें अपील के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ पे ये मसला है कि अगर अगर अवार्ड जो है ना, देखें एक होता है आर्बिट्रेटर के बारे में मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको उसको इस तरह ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा देता हूँ। आर्बिट्रेटर जो होते हैं, आर्बिट्रेटर का एक पैनल होता है, ठीक है, उसमें एक पार्टी ए की जनब से एक बंदा होता है और एक फ्रॉम दी पार्टी बी और एक पार्टी बी की जनब से एक बंदा होता है, दो वो के बंदे, तीसरा जो बंदा होता है वो डिपार्टमेंट का भी हो सकता है, डिपार्टमेंट से बाहर का भी हो सकता है, तीन बंदों का पैनल एक मुश्तमिल आर्बिट्रेशन पैनल बनता है, उसमें रजिस्ट्रार खुद भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, रजिस्ट्रार किसी भी शख्स को नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। अब उसने कोई अवार्ड जारी किया, लेकिन जो अवार्ड जारी अवार्ड होता है कि ये बेटा अवार्ड का मतलब है डिसीजन है, ठीक है, आर्बिट्रेशन का पैनल जो होता है ना वो अवार्ड जारी करता है, वो फैसला नहीं देता, आर्बिट्रेटर जितने भी होते हैं वो अवार्ड जारी करते हैं, पंचायतें जितनी भी होती हैं वो अवार्ड जारी करती हैं, उनका जो अवार्ड होता है वो काबिल अमल होता है, पंचायतें कभी फैसला नहीं देती, वो सिर्फ अवार्ड देती हैं, उसी वो सालसी फैसला कहलाता है, उस सालसी फैसले को जो है ना वो मनोमन अदालतें तस्लीम करती हैं, उन पर अमल दरामद करवाया जाता है। समझ आ गई बात की अवार्ड की, जिस बेटी ने पूछा था कि अवार्ड क्या है? यस सर आ गई है समझ। चलें अब एक ए, 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 और पूछा था कि ये जो अवार्ड है तो रजिस्ट्रार जो है ना वो देखेगा कि क्या इस में जो तमाम तकाजे हैं लॉ के क्या वो पूरे किए गए हैं, अगर लॉ के तकाजे पूरे नहीं किए गए तो रजिस्ट्रार ऐसे अवार्ड को जो है सेट असाइड पहले ही कर देगा बजाय अपील में जाने के, ठीक होगी बात, क्योंकि रजिस्ट्रार इज एम्पावर्ड टू कॉल द केस, रजिस्ट्रार केस को कॉल कर सकता है, बुला सकता है कि ये केस क्या आप जो लॉ के मुताबिक सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, अगर रजिस्ट्रार देखता है कि कोई ऐसी चीज जो है करप्शन कंसिक्वेंसी मिसकंडक्ट वगैरह है ऑन द पार्ट ऑफ आर्बिट्रेटर है तो फिर ऐसे जो है ना वो अवार्ड को सेट असाइड कर देता है। क्लियर होगी बात, ये ओनली आप जिसमें याद करना है वो सिर्फ यही याद करना है कि दिस इज सेक्शन 54A इन विच रजिस्ट्रार इज एम्पावर्ड टू सेट असाइड द अवार्ड एंड ऑर्डर द डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड बैक टू आर्बिट्रेशन, कि जो है ना वो दोबारा आर्बिट्रेशन को भेजा जाए। याद रखें इस आर्बिट्रेशन को, ये नोट कर लें, आर्बिट्रेशन को जो पूरा अवार्ड है उसके जारी करने की जो मुद्दत होती है वो 60 डेज होती है, यानी कि दिस केस मस्ट बी हर्ड एंड कंप्लीटेड विद इन 60 डेज व्हेन द केस फर्स्ट हैज बीन रेफर्ड टू द पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन, देन आर्बिट्रेटर्स वुड इशू द नोटिस और फ्रॉम दैट वेरी डे दिस केस मस्ट बी कम टू एन एंड विद इन 60 डेज बिकॉज इट इज मैंडेटरी एंड इट इज अ लीगल रिस्ट्रिक्शन विच इज पुट टू द आर्बिट्रेटर्स टू डिसाइड द केस।
जी समझ आ गई बेटा बात? जी सर। जी जी पता चल गया बेटा, सेक्शन 54A का, ये सेक्शन 54A है। इसके बाद है सेक्शन 55, ये डिस्टॉर्शन है किसी तरफ से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। मोहम्मद सर्वर है कोई, माइक ऑन है उसका सर। जी जी बेटा। सर आपने कहा था जब मैं सेक्शन 54 करवाऊंगा तो हमारा 44F रहता है अभी, वो आपने कहा था इसके साथ। जी जी ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैंने बेटा आपको सेक्शन 54 में पांच पार्टी बताई थी। बताई थी ना पांच पार्टी। जी सर। अब जो छठी पार्टी है वो सेक्शन 44F वाली है, बस इतनी सी बात थी। ओके सर। अच्छा जी, अब बेटा आ जाते हैं कि 50 अवार्ड जारी करने से पहले एक और काम भी कर सकते हैं, वो क्या है? वो है सेक्शन 55, उसमें प्रॉपर्टी बिफोर द अवार्ड कैन बी अटैच्ड। प्रॉपर्टी को हम जो है ना वो अटैच भी कर सकते हैं। क्यों अटैच कर सकते हैं? जब इस बात का यकीन हो कि जिसके खिलाफ अवार्ड जारी किया जाएगा ऐसा शख्स जो है ना वो अवार्ड को फ्रूटफुल बनाने से रोकने के लिए अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको जो है ना वो डिस्पोज ऑफ कर देगा। तो ऐसे शख्स को डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी की डिस्पोजल से रोकने के लिए ऐसे शख्स की जायदाद को जो है ना हम पुर्क कर सकते हैं अंडर सेक्शन 55। जब एक रजिस्ट्रार के पैनल के पास जो है ना वो आया है, याद रखें कि अगर किसी रजिस्ट्रार के पैनल के पास जो है ना वो मुकदमा आता है फॉर द पर्पज ऑफ आर्बिट्रेशन, और वो ये महसूस करते हैं कि यार देखे जज को पता चल जाता है कि इस केस का जो है ना क्या फैसला होगा, तो जिसके खिलाफ होने वाला होता है और अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने की कोशिश वगैरह कर रहा हो तो ऐसे शख्स की जायदाद को कुर्क कर लिया जाता है। इसको कहा जाता है कि अटैचमेंट बिफोर अवार्ड। क्लियर होगी बात? ये सेक्शन 55 है, दिस इज अटैचमेंट बिफोर द अवार्ड। और अटैचमेंट बिफोर दी अवार्ड करते हुए जो जो अटैचमेंट के ऑर्डर पास किए जाएंगे वो उस ऑर्डर को सिविल कोर्ट के ऑर्डर ही समझा जाएगा। वो ऐसे ही होगा जैसे किसी कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किए हैं। ठीक है बेटा। जी इज इट क्लियर? सही है, अटैचमेंट रजिस्ट्रा के आने के पास आने से पहले होगी, रजिस्ट्रा के पास आने से पहले। जी जी बिफोर अवार्ड, अवार्ड तो अभी जारी नहीं हुआ, अवार्ड जारी होने से पहले हो सकती है। सही है, आर्बिट्रेशन के बाद होगा। आर्बिट्रेशन के लिए मुकदमा आ गया है तो आर्बिट्रेटर जो है ना वो अटैच प्रॉपर्टी अटैच करने के ऑर्डर फौरी जारी कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा अब देखें, जब रजिस्ट्रार ने अवार्ड जारी कर दिया, ठीक है, या प्रॉपर्टी को अटैच करने के ऑर्डर जारी कर दिए रजिस्ट्रार के नॉमिनी ने, तो फिर जो अपील है वो एक माह के अंदर अंदर, कितने दिनों के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज अपील जो है ना विद इन 1 मंथ, यानी कि एक माह के अंदर अंदर ऐसी अपील जो है ना वो रजिस्ट्रार को या सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को जो है ना वो अपील एक माह के अंदर अंदर की जा सकेगी। याद रखें यह है सेक्शन 56 आपका, एनी पार्टी
aggrieved by the decision or the registrar's nominee made under section 54 or 54A or any order passed under section 55 by the registrar's nominee who within 1 month of the date of the award can appeal to the registrar. Sorry, यहाँ पे जो है ना वो रजिस्ट्रार के पास अपील कर सकते हैं सेक्शन 55 में, 56 में, सॉरी, समझ आ गई है बात की कि सेक्शन 56 में 54, 54A और 55 के जो ऑर्डर हैं उनके खिलाफ अगर वो ऑर्डर रजिस्ट्रार के अलावा रजिस्ट्रार का जो पैनल बना दिया जाता है उस पैनल में रजिस्ट्रार शामिल ना हो, शर्त यह है कि उस पैनल में रजिस्ट्रार शामिल ना हो, अगर वो ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं रजिस्ट्रार के नॉमिनी की जानब से तो ऐसे ऑर्डर के खिलाफ अपील जो है वो 1 माह के अंदर अंदर जो है ना वो रजिस्ट्रार को अपील की जाएगी अंडर सेक्शन 56। आई थिंक क्लियर, इफ नॉट क्लियर यू कैन आस्क क्वेश्चन। नो सर, क्लियर है। देखो बेटा सेक्शन 56 क्लियर हो गया आपका? यस सर, क्लियर है। चलें इसके बाद है बेटा सेक्शन 57। सेक्शन 57 में ये बात है कि बेटा सेक्शन जब ऑर्डर पास हो जाते हैं अवार्ड के तो उन रिस्ट्रिक्शन को मद्देनजर रखते हुए जो रिस्ट्रिक्शन सेक्शन 664 में दी गई हैं, 64 में, यानी कि 64 में वो अपील का हक है तो रजिस्टर ये जो अवार्ड है इसको फाइनल समझा जाएगा और इसको किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। दिस इज सेक्शन 57। अवार्ड पास्ड बाय द रजिस्ट्रार और द पैनल ऑफ द रजिस्ट्रार शैल बी फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट, सिविल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट, क्योंकि सिविल या रेवेन्यू कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। समझ आ गई बात की? ये सेक्शन है 57, यानी कि जो अवार्ड आप बतौर रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार के नुमाइंदे के तौर पर अवार्ड जारी कर देंगे, अपील तो हो सकती है सेक्रेटरी के पास, लेकिन ऐसी जो ऐसा जो अवार्ड है उसको सिविल या किसी रेवेन्यू कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। This is section 57, very easy. Only you need to know that this is finality of the award. Sir, आपने 64 section वाली क्या बात बताई है कि 64 section के तहत वो secretary को appeal कर सकते हैं? जी 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 बेटा, वो मैंने इसलिए बताया है कि appeal का हक जो है ना वो हासिल होता है, appeal के हक को आप disturb नहीं कर सकते, ठीक है? समझ आ गई है? जी सर, आ गई है। सर के सेक्शन 57 के ऑर्डर्स के अगेंस्ट आप कह रहे हैं अपील का, क्योंकि इसके ऊपर तो फाइनल हो गया ना, तो फिर अपील का आपने कैसे बताया? मैंने ये बताया कि बेटा अगर जो सेक्शन 57 है उसमें ये बात बताई गई है कि जो अवार्ड जारी किया जाएगा सेक्शन 54 के तहत या सेक्शन 54A के तहत वो अवार्ड उसके खिलाफ अपील तो हम कर सकते हैं सेक्शन 64 में, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ऐसे अवार्ड को हम किसी भी रेवेन्यू या सिविल कोड में चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक होगी बात, समझ आ गई है? यानी कि मैंने बताया कि वो जो है ना वो अपील के अलावा दैट वुड बी फाइनल, कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी सिविल और रेवेन्यू कोड, ठीक है? जी सर। जी बेटा, आगे चलें। जी सर। इसके बाद सेक्शन बेटा 58। ये जो सेक्शन 58 है बिल्कुल इजी सेक्शन है, इसमें यही बात बताई गई है कि आर्बिट्रेटर्स को जो इंक्वायरी अफसरान होते हैं उनको और इसी तरह जो इंस्पेक्शन के लिए टीम आती है उन तमाम को इस बात का इख्तियार होता है
कि वो फॉर द पर्पज ऑफ इंक्वायरी, फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन इंस्पेक्शन, फॉर द पर्पज ऑफ आर्बिट्रेशन, वो किसी भी गवाह को तलब कर सकते हैं और गवाह को जो जो है उसको हाजिर होना होगा लाजमी, क्योंकि जो जो अथॉरिटी तलब कर रही है उसके पास वही पावर्स होती हैं जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 में बयान की गई हैं। यानी कि दिस सेक्शन इज अबाउट द पावर टू एनफोर्स द अटेंडेंस ऑफ द विटनेसेस। इफ एनी विटनेस इज रिक्वायर्ड टू अटेंड द कोर्ट ऑफ द आर्बिट्रेटर्स आर द इंक्वायरी ऑफिसर आर द इंस्पेक्शन बॉडी, देन दैट विटनेस इज बाउंड टू गिव एविडेंस। If he does not do so, his attendance can be enforced through the powers which have been provided to these officers under civil procedure code. जो civil procedure code के तहत power दी गई हैं वो उनको इस्तेमाल करते हुए उनकी जो attendance है उनको enforce कर सकता है। सर गवाह शूट के नंबर तो नहीं हो गए सर, कितने fix हैं इसमें, कोई बाउंड तो नहीं किया, इतने गवाह होने चाहिए, दो तीन no, चार? No. वो कोई फिक्सेशन नहीं, वो लॉ में किसी भी लॉ में कहीं भी गवाहों की तादाद जो है फिक्स नहीं है, कम से कम तादाद फिक्स होती है, ज्यादा से ज्यादा तादाद कहीं भी फिक्स नहीं है। ठीक हो गया सर, आप कोई और लॉ भी उठा के देखें, उस लॉ में भी ऐसे ही है। जी बेटा क्लियर हो गया सेक्शन 58? बेटा अब एक नोट करें सर एक बात, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जब अपने मेंबरान को कर्जे वगैरह जारी करती है या लिक्विडेटर कहता है कि जनाब इन्होंने ये नुकसान पहुंचाया है इनसे नुकसान पूरा किया जाए, रजिस्ट्रार साहब सेक्शन 50A के आर्डर
रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस. सॉरी वो थोड़ा इशू आ गया था नेट का ना, वो लाइट ऑफ हो गई थी, उस वजह से जो है मैं अगर ऑफलाइन हो गया था. जी बेटा अब एम आई ऑडिबल? यस सर. यस सर. यस सर आवाज आ रही. ओके 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 ओके. सॉरी यार वो जो है वो लाइट इनकन्वीनियंस पैदा कर रही है. तो हालांकि दो हमारी दो लाइट. कोई बात नहीं सर, काफी हो नहीं गया, कल कर लेंगे बात. नहीं, थोड़ा सा और करना है यार, ये जो ना वो इसको लटकाना जरूरत पड़ी है हमने. अच्छा ये मैं समझा रहा था सेक्शन 59, इजी है, समझे आप थोड़ा सा बस, इसमें कोई बात नहीं. ये मैं आपको बात बता दूं बेटा, याद रखें कि बीएंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार आपको जो है ना वो सर्टन रिकवरी भी करनी होती है. ठीक है, यू आर टू रिकवर सर्टन कॉपरेटिव ड्यूज इफ यू आर नॉट वेपनाइज यूर सेल्फ. हाउ वुड यू रिकवर दी मनी? ठीक है ना, आपके पास सर्टन पावर तो होनी चाहिए ना कि आपने जो ना वो पैसे जो किसी से जो ना वो लेने हैं, किसी से रिकवरी करवानी है. तो फिर लॉ क्या कहता है? लॉ इसमें ये बात कहता है कि आप जो ना वो पैसे रिकवर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 59. जो सेक्शन 59 है ये पैसे रिकवर करने के लिए कोऑपरेटिव ड्यूज की रिकवरी के लिए है. कोऑपरेटिव जो ड्यूज हैं वो तीन चार अंदाज से बनते हैं बेटा, याद रखें. एक तो वो लॉसेज हैं जो मैंने आपको बताए हैं कि जो सेक्शन 50A में रजिस्ट्रार ने जो लॉसेस पास किए हैं ना कि फलां बंदे ने जो है ना वो लॉस किया है तो उससे रिकवरी की जाए. ठीक है, वो जो रिकवरी है वो कोऑपरेटिव ड्यूज है, याद रखें, वो जो लॉस है. दूसरी बात ये है कि 54 के तहत अवार्ड जारी कर दिया गया. अवार्ड जो है ना उसको फ्रूटफुल बनाना है, उसको फ्रूटफुल बनाने के लिए इसके खिलाफ डिग्री बना देनी है उसको, वो डिग्री बन जाता है अवार्ड ऑटोमेटिकली. तो ऐसा जो जो डिग्री है वो भी एग्जीक्यूट होगी. इसी तरह अगर लिक्विडेटर ने कहा है कि जनाब इसे नुकसान पहुंचाया है, ठीक है, तो इससे वो नुकसान पूरा किया जाए, तो फिर ये तमाम चीजें पूरी करवाने के लिए लॉ ने एम्पावर किया है हमें. वो क्या है? वो है सेक्शन 59, जिसमें यह बात बताई थी कि मनी इज हाउ रिकवर्ड. यहाँ पे रजिस्ट्रार जो है ना इसी तहत, रजिस्ट्रार जो है ना बेटा याद रखें, इसी सेक्शन के तहत रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट है और इसी सेक्शन के तहत रजिस्ट्रार कलेक्टर है. इफ यू आर सिलेक्टेड एज असिस्टेंट रजिस्ट्रार यू विल आल्सो यूज द पावर्स ऑफ द कलेक्टर. यू विल बी अ रेवेन्यू कोर्ट इन यूर सेल्फ. आप अपने आप में रेवेन्यू कोर्ट होंगे. यू विल यूज द पावर्स ऑफ द कलेक्टर्स व्हिच हैव बीन मेंशनड अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967. समझ आ गई बात की? लिहाजा जो सेक्शन 59 है दिस इज अबाउट दी हाउ मनी इज रिकवर्ड. और याद रखें रजिस्ट्रार का जो डिसीजन होता है, जो वार्ड होता है, वो ऐसे ही होता है जैसे किसी सिविल कोर्ट ने डिग्री जारी कर दी है. And this degree shall be executed in the same manner as it has been executed by a competent civil court. हम जब असिस्टेंट रजिस्ट्रार की किसी पेपर के ऊपर मोहर लगाते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार बाख्तियारात कलेक्टर व सिविल कोर्ट. ठीक है बेटा, समझ आ गई बात? ये छोटा जे सेक्शन बहुत बड़ा है लेकिन आपने सिर्फ यही याद करना है कि व्हेन वंस मनी इज नॉट रिकवर्ड वी कैन यूज द पावर ऑफ ए सिविल कोर्ट एज वेल एज द पावर ऑफ ए रेवेन्यू कोर्ट बिकॉज वी आर कलेक्टर एज वेल एज रेवेन्यू कोर्ट इन दिस सेक्शन. ठीक है बात? तो जायदाद भी क्रूप कर सकते हैं ना, इख्तियारात होते हैं ना रजिस्ट्रार के पास. यस और करते ही ज्यादा जायदाद कुर के या बंदा जो अरेस्ट करके जो है ना वो जेल, दोनों ही काम ये हम ज्यादा इस्तेमाल यही करते हैं लेकिन हर एक को नहीं कर सकते. याद रखें कि आपने जो पावर है उसी से खिलाफ करें जिसे पैसे नहीं दिए. यस सर, ऐसे ही है, दूसरा कोई हाथ लगाने देगा. हाँ ऐसे ही है ना, देखे ना आपने लॉ में रहते हुए आपने काम करना है ना. यू विल यूज दीज पावर विद इन दिस लॉ. ठीक होगी बात बेटा?
समझ आ गई है, ये है सेक्शन 59। इसी सेक्शन 59 में आप सिविल कोर्ट हैं, इसी सेक्शन 59 में आप कलेक्टर हैं, और इसी सेक्शन 59 में आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार हैं। बीइंग रजिस्ट्रार यू कैन यूज द पावर अंडर दिस सेक्शन। आगे चले बेटा, आगे सेक्शन 59A। हाँ, अब ये बात देखिए, जो भी क्वेश्चन आपने किया था ना जनाब कि प्रॉपर्टी हम अटैच कर सकते हैं, प्रॉपर्टी आपने अटैच कर ली, ठीक है। अब प्रॉपर्टी अटैच करके अपने पास रखना मकसद नहीं है, मकसद यह है कि उसको डिस्पोज आप करें, उसको सेल करें, ताकि उसकी जो प्रोसीड आए उस प्रोसीड को आप जो है ना वो इस्तेमाल करें कर्जे की अदायगी में, और जो बकाया बच जाए अगर ज्यादा है तो जिसकी जमीन आपने कुरक की थी उसको वापस करें। लेकिन हमारे गांव वगैरह में ये होता है कि जिस शख्स की जमीन कुरक कर लेते हैं उसके गांव में कोई बंदा नहीं खरीदता, क्योंकि वो सीधी सीधी जो है ना लड़ाई को दावत देने वाली बात होती है। ऐसे है कि नहीं है हमारे गांव में? यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, तो फिर ये बात बता, ये फिर लॉ रखा गया है कि आप जो है ना वो सेक्शन 59A को इस्तेमाल करें, और उसके साथ रूल 50, मैंने को बताया रूल भी आपके साथ साथ हैं, जो रूल 1927 है उसमें रूल 50 है और सेक्शन 59A है। सेक्शन 59 कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 का है, जबकि रूल 50 है कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल 1927। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए जिस एजेंसी ने लोन प्रोवाइड किया है आप उसके उसके जो टाइटल डीड आप उसको दे सकते हैं, यानी जमीन वगैरह जो है ना आप उसके नाम जो है ना वो इंतकाल उसकी ट्रांसफर कर सकते हैं, याद रखें। और कितनी बड़ी पावर है देख लें, है कि नहीं है, कि आप किसी की जो प्रॉपर्टी है अगर वो सोल्ड नहीं हुई, वो बिकी नहीं, ऑक्शन नहीं हुआ, कोई जमीन खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो जिस शेख जिस एजेंसी ने पैसे दिए हैं, जिस बैंक ने पैसे दिए हैं, आप उसी के नाम जो है ना उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दें। क्लियर? और आजकल जो ना यही हो रहा है हमारे कोऑपरेटिव में। सर फिर तो कोऑपरेटिव की अपनी काफी जायदाद महंगी होगी। वो कोऑपरेटिव बैंक के पास बहुत जायदाद है, हमारा जो कोऑपरेटिव बैंक है ना वो पंजाब में तकरीबन उसकी तमाम की, एक तो पहली बात तो ये है कि कोई किराए की बिल्डिंग नहीं है कहीं भी, ठीक है। दूसरी बात जो है ना बहुत ज्यादा रकबा है। जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने में, मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट प्लेड अ वेरी वाइटल रोल इन द रिहैबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज। आपने कभी जो खानेवाल के लोग हैं उनको ज्यादा पता होगा, वहाँ पे खानेवाल में एक CCFU है, कलोनी कोऑपरेटिव फार्मिंग यूनियन, CCFU कलोनी कोऑपरेटिव फार्मिंग यूनियन। इसमें 132 चक हैं, 132 विलेजेस, उनमें हमारी जो है ना ये कोऑपरेटिव फार्मिंग की यूनियन है एक पूरी की पूरी। वहां पे जो है ना वो ये जो ये खानेवाल में नहीं है, खानेवाल के अलावा और भी बहुत से डिस्ट्रिक्ट हैं, खानेवाल विहाड़ी और खानेवाल के साथ जो मुलहका है ना डिस्ट्रिक्ट, जैसे मुजफ्फरगढ़ है, खानेवाल है, विहाड़ी है, मुल्तान है, और टोबा टेक सिंह फैसलाबाद, चूंकि खानेवाल के साथ पहले था, पहले वो फैसलाबाद में था, अभी टोबा, अब टोबा बन गया है, टोबा टेक सिंह जो है ना, ये तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं इन डिस्ट्रिक्ट में कुछ 132 चक हैं जिनकी जो जमीन है वो सारी की सारी कोऑपरेटिव की जमीन है। वो उस टाइम अलाट की गई थी जब पाकिस्तान बना है, तो रेफ्यूजीज को जो है ना वो अलाट, जो महाजरीन आए थे उन महाजरीन को 5-5, 7-7 एकड़ के हिसाब से जो है ना वो अलाटमेंट की गई थी। लेकिन उसमें कहा ये तरीका का रखा गया था कि जो भी प्रोड्यूस होगी, जो भी कल्टीवेशन होगी, उसको वैसे ही कास्ट किया जाएगा जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल है, यानी कि जो कलेक्टिव होगा तमाम का तमाम। अब उसकी जो है ना वो प्रॉपर्टी, पहले सोसाइटी की मुश्तरक प्रॉपर्टी थी, अब लोगों को अलाट कर दी गई है। लिहाजा कोऑपरेटिव की जमीन जो है ना वो ऑलमोस्ट इन पाकिस्तान टू मच, आपका ये जो गुजरा वाले में बताया है प्राइम लोकेशन से, जहां देखें आप राह वाली छोनी देख लें, जो गुजरा वाला कैंट जिसे कहते हैं, उसमें जो है ना राह वाली शुगर मिल हुआ करती थी, वो भी कोऑपरेटिव की है। अगर आप GD रोड पे जाएं तो जो है ना वो राइट साइड पे जो है ना वो आप लाहौर से पिंडी की तरफ जाएं तो राइट साइड पे जो है ना नजर आ जाती है, जो गुजरा वाला से आगे जो है ना वो शुगर मिल, वो भी शुरू मरूर शुगर मिल थी।
फैसला बाद में, इधर माशाल्लाह काफी जो है ना वो प्रॉपर्टी है कोऑपरेटिव की, कोऑपरेटिव की जो प्रॉपर्टी है ये काफी काफी जगह पे जो है ना वो मौजूद है, लेकिन बात ये नहीं है कि लोगों की प्रॉपर्टी कुरक करनी। मकसद ये बताने का कि जब जो है ना वो बाद इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं कि गांव में जिस शख्स की आपने प्रॉपर्टी कुरक की है उस शख्स की प्रॉपर्टी कोई खरीदता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लोगों को पता कि यार इससे दुश्मनी पैदा हो जाएगी, कोई 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 प्रॉब्लम नहीं कि लड़ाई का जो है ना एक बायस बन जाएगी, लिहाजा इस लड़ाई के बायस से खत्म करने के लिए तो फिर हम ये करते हैं, हम आक्षर के लेके जाते हैं, हम दो तीन तरीके जो है ना वो आक्षर में मुकर करते हैं, अगर आक्षर नहीं आया तो फिर उस प्रॉपर्टी को इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एज गिवन इन सेक्शन 59A एंड सेक्शन 50A रूल 50 वी डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, वी ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द फाइनेंसिंग एजेंसी। क्लियर आ गई बात बेटा? यस सर। चैप्टर भी आपका क्लियर हो गया ये वाला पूरे का पूरा? ठीक है, ये चैप्टर 8 एंड हुआ ना आज? जी, चैप्टर 8 एंड हो गया, काफी हो गया जी, कल इंशाल्लाह चैप्टर 8 ए इंशाल्लाह। यस सर, अब हम कल करेंगे बाकी जी चैप्टर 8 सर, बेटा चैप्टर 8 ए और 8 9। जी बेटा कोई क्वेश्चन करने लगी जी सर? बेटा बहुत आवाज आपकी डिस्टर्ब कर रही है। जी जी सर, सर वो असल में मैं नमाज पढ़ी थी सर। सर अब आपको आवाज आ रही है? जी बहुत तेज आ रही है बेटा, बहुत तेज आ रही है सर, आपने बोला आवाज नहीं आ रही, मैं और तेज बोल रही हूँ। जी बेटा बताएं आप। सर वो असल में मैंने नमाज पढ़ी थी तो मेरा 54A मिस हो गया, तो अगर आप उसको थोड़ा सा बता दें तो। 54A जो है ना बेटा, वो यही मैं बताया था कि रजिस्ट्रार इज एम्पावर्ड टू सेट असाइड द अवार्ड, जो अवार्ड अभी जारी नहीं हुआ तो रजिस्ट्रार उस अवार्ड को पहले मंसूख भी कर सकता है, कोई बात नहीं। जब रजिस्ट्रार ये फील करे कि जो प्रॉपर एविडेंस है उसको नहीं देखा गया, किसी ऐसे फैक्ट को जाया कर दिया गया जिस फैक्ट जो फैसले पे असरअंदाज हो सकता था, ठीक है, या ये नजर आ जाए कि ये जो वार्ड है ये वाकई बदनीयती से जारी किया गया है, तो फिर रजिस्ट्रार को कहा गया है कि आप जो है ना बीइंग रजिस्ट्रार यू कैन सेट असाइड द अवार्ड अंडर सेक्शन 54A। ठीक है बात, इतनी सी बात। ठीक है सर, थैंक यू। कल जो सेक्शन जो है ना यहाँ तक बेटा सेक्शन 59 तक जो है ना आपका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, 40 से ऑनवर्ड लेकर पिछले जो है ना वो शामिल होंगे, ठीक है बेटा। क्या पिछले ना सर शामिल करें सर, 40 से ऑनवर्ड ही रखें बस। चले ठीक हो गया, 40 से ऑनवर्ड ही होंगे। यस सर। सर एक मिनट जब ज्वाइन करता हूँ, एक मिनट। जी बेटा जी बताएं जी, एनी क्वेश्चन? सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर जो आप हमें मतलब लेक्चर डिलीवर करते हैं ना, हम वो नोट करते हैं, लेकिन ना हम सारी तैयारी भी उसी से कर रहे हैं, तो वो पीडीएफ फाइल पढ़ना जरूरी नहीं है जो आपने फॉरवर्ड की थी? हाँ वो उसको पढ़ते नहीं तो वो ठीक है, वो साथ ही पूरा एक्टिव है बेटा, आपको एक्टिव भी दिया है, रूल्स भी दे दिए हैं, हिस्ट्री भी आपको जो ना डिलीवर की थी, क्लियर, उसको साथ साथ पढ़ती जाए वो आपको जो ना एज ए रिफ्रेशिंग मेमोरी। आप देखें इस तरह किया करें, मेरी बात सुने, आपके पास जो ना अब इसकी हार्ड कॉपी मेरे पास रखें, ठीक है, लॉक सारे जब मैं जब करता हूँ तो बेटा आप उसके साथ साथ जो है सेक्शन को देख लिया करें।
ठीक है सर, बेस्ट है, इस तरह कर लें। एक एक और बात बेटा नोट कर, वो बात ये है कि आपने ना यू डोंट नीड टू मेमोराइज दी होल सेक्शन, ठीक है, आपने होल सेक्शन को मेमोराइज नहीं करना, आपने इसमें इसके सिर्फ ग्लिम्पसेस वगैरह देखने, इसमें अहम बातें क्या है, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है कि टाइम पीरियड तो मेंशन नहीं किया गया, कहीं जो कोई तादाद तो मेंशन नहीं की गई, ठीक है, फिगर्स ज्यादा करने चाहिए। हाँ जी हाँ जी, कहीं कोई तादाद तो मेंशन नहीं की गई, कहीं कोई टाइम तो मेंशन नहीं किया गया, ठीक है, कहीं कोई सोसाइटियाँ जो है ना बाइफ्रिकेट तो नहीं कर दी गई, कहीं से सिर्फ प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, और उसके अलावा जो है ना कहीं पे जो है ना हाउसिंग है, इस तरह की बातें जो है ना ये देखने वाली होती हैं। अदरवाइज अगर आप कहें ना कि आपने अवार्ड के बारे में पूरे सीखना है तो वो अभी आपको जरूरत नहीं है, उसके लिए इंशाल्लाह आपको जो है ना अगर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो कॉपरेटिव ट्रेनिंग कॉलेज में ना आपको अच्छी तरह जो है इसके बारे में जो है ना वो ट्रेन कर देगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? चले जी, थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू लीव, ठीक है, ओके बेटा।